नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। आखिर एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है बच्चों, क्यों जारी नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है? बहुत सारे तमाम वीडियो आप देख चुके हैं और थक चुके हैं वीडियो देख देख कर कि जीडी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, आप चाहे आरडब्ल्यूए किसी को भी आप देखते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट के बारे में किसी को कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस अब अपना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, सपोजिशन लगाते हैं। आज मैं आपको बता दूंगा कि सबसे सटीक जो कारण है रिज़ल्ट ना आने का, वो क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी देखो सिलेक्शन वाले ही बच्चे इस वीडियो को देखें, और फालतू के जो बच्चे हैं ना यार, जो कमेंटबाजी करते हैं ये वो यहाँ प्लीज़ ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए देखो, जैसा कि आपको पता था कि 2 अप्रैल को आपकी आंसर की जारी हुई थी, कभी भी 2 अप्रैल को आपकी आंसर की जारी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद आप सभी ने देखा होगा, फिर 3 अप्रैल को लिंक डाला गया। देखो जो मेन मुद्दा आ रहा है ना बच्चों, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा एसएससी की वेबसाइट पे। तो अभी जो ये न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पहले ओल्ड वाला था ssc.nic, अब इसके बाद ये वाला बन गया है जिसपे मैंने क्लिक किया है, देखो ssc.gov.in। बेटा आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, देखो अभी आपको पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि रीज़न क्या है जिस वजह से जीडी की जो जीडी का रिज़ल्ट है, भाई बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट आने को बाकी है, ठीक है, और काफ़ी सारी संख्या में, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब कोई नई वेबसाइट बनाई जाती है ना, उसमें क्या होता है, server 1, server 2, server 3 बहुत सारे सर्वर डाले जाते हैं, ताकि मतलब लोड को, जो ट्रैफिक होता है ना बेटा, ट्रैफिक को चेक किया जाता है कि मतलब इतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, इतने नंबर ऑफ़ यूज़र, इतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, तब जाके आपका रिज़ल्ट या जो भी अपडेट है, जो भी अर्चीव है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड की जाती है। इतना सटीक और सही भाषा में कोई आपको समझा नहीं पाएगा जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बस हमारा ये प्रयत्न रहता है कि देखो ऐसे तो सब है यूट्यूब पे बताने वाले, लेकिन हम आपको सही बताना चाहते हैं, अच्छा बताना चाहते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और बेटा फिजिकल की डेट, आज की इस वीडियो में फिजिकल की डेट, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हम बस देख रहे थे कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है ये, ठीक है। आज हमारे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। देखो वेबसाइट के अंदर अभी थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही है, देखो स्लोली अभी जो है काम चल रहा है। और आप सभी को मैं बता दूँ, आपका रिज़ल्ट जो है रेडी हो चुका है, आपका रिज़ल्ट बच्चों रेडी हो चुका है, कोई नहीं बताएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और रिज़ल्ट कब आएगा देखो ध्यान से समझना, 30 तारीख को, 30 जून तक आपका रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगा। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है देखो, जो ssc.gov.in वाली जो आपकी वेबसाइट है एसएससी की ऑफिशियल, इसका जो टेंडर है, इसका जो टेंडर है वो न्यू कंपनी के पास है। तो वो क्या है, सर्वर को चेक कर रही है बार बार, और वो क्रैश होता जा रहा है। क्रैश का मतलब बोले तो, जैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं बेटा, तो उसमें टाइम लिखा होता है नीचे कि इतने से इतने बजे तक, तो जैसे ही वो टाइम चला जाता है, यानी कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन की बात है, बस कहने का मतलब मेरा, ठीक है, ये पूरी जानकारी है, ठीक है, कि आपका रिज़ल्ट इसी वजह से डिले हो रहा है, कि वेबसाइट में कुछ दिक्कतें आ रही है इस वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये प्रॉब्लम 30 जून तक ख़त्म होने को दिख जाएगी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं बेटा, सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पर्सन सही होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है पहले से लेकर, चाहे ITBP की, चाहे BSF की कोई सी भी वैकेंसी है, हमने उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं यही चीज़ समझाना चाहता था। बाकी फिजिकल आपके जो है जुलाई सेकेंड वीक तक आपके फिजिकल जो है शुरू हो जाएंगे, सेकेंड थर्ड वीक तक, वैसे पूरा जुलाई लग जाएगा आपका, ठीक है, जुलाई का महीना खींच जाएगा ये पूरा, ठीक है। और आपको बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल डेट और साथ साथ क्या होना है, क्या होने, कहाँ एडमिट कार्ड आएंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बाकी अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी है बेटा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 20 जून को अगर आपने कोई भी वीडियो देखा है जीडी के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब रामबाण साबित हो जाएगा, ठीक है। तो यही वीडियो में जानकारी थी, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।